के घर में बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार बौद्ध पद्धति के अनुसार कार्यक्रम होते हैं, उस व्यक्ति को हमने इस कार्यक्रम का चीफ गेस्ट बनाया। हमने किसी नेता को नहीं, किसी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं, हमने जो बुद्धिस्ट है उसके लिए बनाया है। तो हम आज सभी लोगों से यह अपेक्षा करते हैं कि हमें भगवान बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर और सामाजिक प्रायों में जो समाज मतलब व्यस्त है उन प्रायों को दूर करने के लिए अपनी बात कहेंगे, किसी पर कटाक्ष नहीं करेंगे, क्योंकि कटाक्ष करने से कटुता पैदा होती है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा भगवान बुद्ध ने संसार के लोगों को करुणा और मैत्री और भाईचारे का संदेश दिया है, तो आज का ये बुद्ध महोत्सव हमको यही प्रेरणा देगा कि आप सभी लोगों के अंदर मित्रता और भाईचारे का भाव पैदा होगा, आप लोग भी बुद्ध की विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे और समझेंगे कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, बैर तो केवल मित्रता और प्यार से ही शांत होता है। देखिए बुद्ध ने मित्रता और भाईचारे की बात तो कही, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये मित्रता और भाईचारा जब ही सार्थक होगा कि जब हम सीलवान बने, सीलों का पालन करें। और सील क्या है, जो अभी आप लोगों ने तीन शरण पंचशील धारण किया था इसी को सील कहते हैं। सील का मतलब है कि हम किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करेंगे, अकारण किसी की हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि प्राण सबको प्रिय होते हैं। हम किसी की चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि संपत्ति सबको प्रिय होती है। हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, और हम किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे। यही शील है, यही नैतिकता है, और हमारे देश की सरकार भी इन्हीं पांच बातों को देश में लागू करना चाहती है। हमारा शासन और प्रशासन इन्हीं पांच बातों को लागू करने के लिए प्रयासरत है। सरकार अरबों खरबों रुपए मतलब पुरुष प्रशासन पर खर्च करती है कि ये पुरुष प्रशासन इन्हीं पांच बातों को इस देश में लागू करे और सभी के अंदर करुणा और मैत्री का भाईचारे का भाव पैदा हो और सभी एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, सभी कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चले और अपने स्वतंत्र भारत की सीमाओं की रक्षा करें। इसकी एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए हमको भाईचारा बनाना बहुत जरूरी है। देखिए दुख इस बात का होता है कि इस देश के अंदर कुछ सांप्रदायिक ताकतें ऐसी हैं जो देश को एक मतलब विभाजित करने का षड्यंत्र रचती रहती है, जो इस देश में मतलब कटुता का माहौल पैदा करती है। जैसे कि मेरे से यहीं पर नरोरा में एक कार्यक्रम हो रहा था, उसने मुझे बुलाया और मेरे से कहा कि भक्त जी आप थोड़े शब्दों में ये बताइए कि समाज में समरसता कैसे पैदा हो गई। तो मैंने ये कहा कि समरसता पैदा होगी या सत्ता कैसे पैदा होगी। बोला कि हाँ एक ही बात है, मैंने ये कहा ये दो बातें हैं, मैं कि समरसता और सत्ता यदि चाहते हो तो देश से जातिवाद खत्म कर दो, जातिवाद को खत्म कर दो। तो उन्होंने कहा कि जातिवाद कैसे खत्म हो सकता है, तो मैंने कहा जब आरक्षण के लिए अध्यादेश ला करके आप आरक्षण को अध्यादेश ला करके आरक्षण को लागू कर सकते हो 49% से 60% कर सकते हो, तो भाई अध्यादेश ला करके देश में जातिवाद को भी खत्म कर सकते हो आप। इसलिए वो जब जातिवाद खत्म हो जाएगा तो सत्ता में ये भाईचारा अपने आप पैदा हो जाएगा। तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर मुसलमान के घर का बच्चा पैदा होता है तो वो मुसलमान होता है, ईसाई के घर का बच्चा पैदा होता है तो वो ईसाई होता है, सरदार के घर का बच्चा पैदा होता है तो वो सरदार होता है, लेकिन हिंदू अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो हिंदू नहीं होता, वो ब्राह्मण होता है, ठाकुर होता है, बंगला होता है, शूद्र होता है, जाकर होता है, कुम्हार, धोबी, कढ़िया, कांची, धीमा, ये सब जातियों में मतलब हिंदू कोई नहीं है, सब जातियों में विभक्त है।
इसलिए इस देश में एकता नहीं बन सकती सभी, क्योंकि हिंदू धर्म में जाति बात है। जब किला के बात में बात जो कपियों की बात में बात जो बढ़े की लाख में लाख कैसे हिंदू धर्म की जात में जात। तो हिंदू धर्म तो जाति बात पर आधार है, इसमें कभी एकता नहीं हो सकती। तो देखिए कार्यक्रम आगे चलेगा, मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। साथ ही एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे बीच में वीरदर्शी है जो मतलब परीक्षा से आए हैं, वो एक बात कहा करते थे कि कैसे क्या हिंदू हुआ हरा हुआ इस्लाम और नीले रंग पे लिख देना भाई बाबा भीम का, नीले रंग पे बाबा भीम का नाम लिख दो, क्योंकि केसरिया तो हिंदू हो गया और हरा हो गया इस्लाम और नीले रंग पे बाबा साहब का अंबेडकर का लिख देना। इन्हें शब्दों के साथ मेरी बात समाप्त होती है, धन्यवाद।